गाइस, एक महीने में 7 किलो वजन घटा ले बस आज की मेरी इम्पोर्टेंट टिप्स को फॉलो करके। हम में से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि वेट लॉस करने का मतलब होता है डाइटिंग करना, खाना स्किप कर देना, घंटों घंटों भूखे रहना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि वेट लॉस करने का मतलब होता है हेल्दी डाइट इनटेक करना। आज इस पूरे दिन के डाइट प्लान में हम सब कुछ खाने भी वाले हैं जो बहुत हेल्दी होगा, जो आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। हाँ, ये आपकी बॉडी को बिल्कुल मॉडल जैसा पतला तो नहीं करेगा, लेकिन इतना जरूर मेंटेन कर देगा कि जहां भी आपके फैट है उसको बिल्कुल कट कर देगा। अगर आप चाहें कि आपकी कमर 26 की हो जाए 36 से, वो तो नहीं होगी, लेकिन 4-5 इंच जरूर लूज करेगा, वो भी एक महीने के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं सुबह से लेकर रात तक हमें कौन से टिप्स को फॉलो करना है, क्या खाना है और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ जाए तो बस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बात आ जाती है सुबह उठते ही। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल डेड हो जाती है, मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है ना। तो सुबह उठकर हमें उसको चार्ज करने की जरूरत है, और चार्ज कैसे होता है, ठंडे पानी से नहीं बल्कि गर्म पानी से। सुबह उठते ही आपको कितनी भी जल्दबाजी हो, आपने 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीना है। और अगर आप इसी कोई और बेहतर करना चाहते हैं, अपने बेली एरिया को कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक स्पेशल मैजिकल वाटर ड्रिंक बनाना है, जिसके लिए चलिए फटाफट चलते हैं किचन में। इसके लिए आप एक बर्तन ले लीजिए। बर्तन में आप 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए और 2 ग्लास पानी डाल दीजिए, और साथ में इसमें आपने ऐड करना है 1/4 स्पून दालचीनी पाउडर। इनको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। जब ये बॉईल होके काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, मतलब थोड़ा सूख जाए पानी बॉईल होने के बाद, तब आप इसको छन्नी की मदद से छान कर एक कांच के ग्लास में निकाल लीजिए। और सुबह उठकर आपने ये 1.5 से 2 ग्लास पानी पीना है खाली पेट। जब आप ये पानी पियेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी एक्स्ट्रा क्रैविंग को कंट्रोल करेगा, आपकी बॉडी में जितना भी स्टोर फैट है उसको ये खत्म करेगा, आपको एकदम से चार्ज अप करेगा, और साथ में आपकी स्किन पर भी बहुत अच्छा ग्लो लेकर आएगा, आपकी ओवरऑल बॉडी से वात का प्रभाव को खत्म करेगा। जैसे कि अगर आपको गठिया है या आपको जोड़ों का दर्द है, मांसपेशियों की सूजन है, तो वो भी इससे दूर हो जाएगी। ठीक है, ये जो डाइट प्लान है ये टीनेजर भी है, अगर आपकी 15 साल की उम्र है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या आपकी 60 साल की उम्र है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है ब्रेकफास्ट की, जो हमें इसके 1 घंटे बाद करना है। ब्रेकफास्ट में आपको हेल्दी डाइट इनटेक करनी है। अगर देखिए आप एग खाते हैं तो आपने एक एग लेना है, ठीक है, उसका येलो वाला पार्ट निकाल देना है, एग को अच्छे से आपने मैश करना है, उसमें जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स अवेलेबल है सीजनेबल, जैसे कैप्सिकम है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है, आप सारी उसमें चीज़ें ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा हींग ऐड करिए, काली मिर्च ऐड करिए और धनिया पत्ती ऐड कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका ऑमलेट बनाकर खाइए, ठीक है। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो वेज ब्रेकफास्ट की रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, मूंग दाल चीला इनटेक करना है, जो न्यूट्रिशंस के भरा होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। उसको कैसे बनाना है उसकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आप सुबह मूंग दाल चीला खाएंगे तो ट्रस्ट मी, आपको एक्स्ट्रा क्रैविंग होगी ही नहीं, क्योंकि वो आपके पेट को बहुत लंबे समय तक भरकर रखता है, और आपके अंदर सुबह सुबह प्रोटीन भी चला गया, न्यूट्रिशन भी चले गए, तो आपकी बॉडी अंदर से बहुत हेल्दी रहेगी, ठीक है। अब बारी आ जाती है मिड मॉर्निंग स्नैक की। जब हमें लंच से पहले थोड़ी सी भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है, उस समय आपने क्या खाना है, उस समय आपने डेली का 2 फ्रूट या 1 फ्रूट इनटेक करना ही करना है। आप ले लीजिए एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, जो आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, या फिर बनाना, ग्रेप्स, कीवी, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उतना आपने सीजन का कोई भी 1 फ्रूट या 2 फ्रूट खाना ही खाना है। आप ठान लीजिए कि मुझे खाना है, ठीक है। अब बारी आ जाती है लंच टाइम की, ठीक है। लंच टाइम में अच्छा जी हम क्या करेंगे, लंच में हम लेंगे अपनी 2 चपाती, घी लगी हुई भी बिल्कुल आप ले सकते हैं, 2 या 3 चपाती, क्योंकि रात को हमने खाना नहीं खाना है, मतलब रोटी और चावल नहीं खाने, तो आप दिन में खा लीजिए 2 से 3 रोटी, ठीक है। उसके बाद हमें अपनी प्लेट में, जो हम प्लेट लेंगे एक फुल साइज की, उसको 1/4 हमने भरना है सैलेड से। सैलेड कोई भी अवेलेबल हो सकती है, टमाटर, खीरा, गाजर, इन चीज़ों को जरूर अपने सैलेड में इंक्लूड करें। साथ में चुकंदर को आप जरूर ऐड करें। चुकंदर खाने से क्या होता है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आता है, आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होती। टमाटर आपकी स्किन को इन्हांस करता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। गाजर में विटामिन ए होता है, जो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब बारी आती है 5 बजे की, कि 5 बजे आपको क्या खाना है। जब हमारी नाक और हमारा दिमाग हमेशा बाहर के खाने की तरफ बहुत ज़्यादा भागता है, चाहे हम घर पर हों या हम बाहर हों, और 5 बजे क्या करना है, आपने थोड़े से चने लेने हैं, उसको एक रात पहले आप भिगो सकते हो, उसको 2-3 सीटियां दिला लो, चने को जब वो बॉइल्ड हो जाएंगे, थोड़े से फट जाएंगे, तो उसमें आपने क्या करना है, चनों की सैलड बना के खाना है। उसमें आप टमाटर डालो, प्याज डालो, हरा धनिया डालो, थोड़ी सी काली मिर्च, हींग ऐड कर लो, लेमन ऐड कर लो, उसको अच्छे से मिक्स करो,
मिक्स करने के बाद ये आपको अपने 5 बजे के स्नैक में इंटेक करना है। इसके साथ आप ले लो 1 कप ग्रीन टी, ठीक है। ग्रीन टी क्या करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, आपके डाइजेशन को बूस्ट करती है, जो आपके पूरे दिन पर जितना भी आप खा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करेगी। तो आप वो नॉर्मल टी आपने इन बिटवीन बिल्कुल भी इंटेक नहीं करनी पूरा 1 महीना। नॉर्मल टी के कोई बेनिफिट नहीं है, अगर आप उसको लेते हैं तो आपकी बॉडी के लिए पॉइजन का काम करती है। तो आपने जब भी लेना है ग्रीन टी लेनी है, गर्म पानी पीना है, पूरा दिन आपने गर्म पानी पीना है। विंटर स्टार्ट होने वाले हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा गर्म पानी पीना। अब बढ़ते हैं रात की बारी आती है 7 बजे की। 7 से 8 के बीच में आप ठान लीजिए कि आपको डिनर कर लेना है, ठीक है। डिनर कर लेना है, डिनर में अब आपने क्या खाना है, डिनर में या तो आप चिकन सूप बनाकर पी सकते हैं या जो भी आपके पास सीजनेबल वेजिटेबल अवेलेबल है उसको बॉइल करो, हल्का सा नमक डालना है, बहुत स्लाइटली सा, काले मिर्च डालो, थोड़ा सा लेमन ऐड करो, उसको बॉइल करके उसको छान के उसका सूप बना के पी लो, ठीक है। अगर इसमें आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूं तो इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूं। मैंने घिया का जूस कैसे बनाना है, घिया का वेजिटेबल सूप कैसे बनाकर पी सकते हैं, कद्दू का कैसे बना सकते हैं, उसकी रेसिपी का लिंक डाल दूंगी, वहां से जाके आप मेरी वो रेसिपी भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने पूरा दिन अपने आप को देना है स्ट्रेचिंग में, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज जरूर करें। पूरे 24 घंटों में से 15 मिनट अपने लिए जरूर निकालें। स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, इसके लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डेली की स्ट्रेचिंग करते हैं उससे ये नहीं कि आपका वेट लॉस होगा, बल्कि वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। उसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस आप ये 1 महीना लगातार फॉलो करें मुझे इस तरीके से, अपने आप आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो रुका हुआ वजन है ना वो भी कम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो बस ऐसे ही कुछ बेहतर देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए क्या करना है, आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और जब प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ नया लाऊं तो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।